आई नो गाइज यार, इस वीडियो को आने में एक दिन लग गया, लेकिन इसके भी कुछ बेसिक्स रीजंस थे, या कहा जाए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन थे। एंड इस वीडियो को इतना लेट, मतलब कि एक दिन क्यों हो गया, उसके भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा। क्योंकि यार ये वीडियो क्लास 12th, आप लोग थंबनेल टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन महा मोस्ट क्वेश्चन के ऊपर होने वाले हैं। ये आपके जितने भी बड़े क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरे आपके यहीं से आने वाले हैं, गारंटीड है ना। ये जो 10 क्वेश्चन आपको बताए जाने वाले हैं, भाई साहब इन 10 क्वेश्चन को करके चले जाना यार, तुम सब फ्री हो फिर, ठीक है। एंड गाइज ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर अभी कर देना, बाद में तुम लोग भूल जाते हो, सच में यार भूल जाते हो। ओके नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। यूट्यूब में यार सब्सक्राइब करके रख लो, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ डायरेक्ट पर्सनली बात करने के लिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ आने वाले टाइम के लिए पीडीएफ्स के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग अभी नहीं पता चलेगा, वो तुम लोगों को एग्जाम टाइम पर पता चल जाएगा कि कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास पीडीएफ्स होती है जो डायरेक्ट इशू नहीं करवा सकते, वो यहीं पर ही दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो वहां पर आपको इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तो बस कर देना, ठीक है। वन शॉट वीडियो है इंग्लिश की यार, कर लेना, ठीक है। अभी वीडियो बेसिकली होने वाली है जो अपनी इंग्लिश प्रोज है ना, पूरी प्रोज सेक्शन आप लोग समझ रहे होंगे प्रोज क्या होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, पोएम पोएट्री में आ जाता है, ये 10 क्वेश्चन प्रोज से यार गारंटीड मिलने वाले हैं। यानी कि आप 10 से 15 नहीं, पूरा आप ये समझो कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, इनके अंडर में आ जाएंगे। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए तो लॉन्ग तो 110% ही आने हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स ने एंड मेरी खुद पर्सनली इसमें 8 या 9 घंटे की मेहनत लगी हुई है। तो गाइस इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करा देना कैसे भी करके, और शेयर किया करो यार वीडियो थोड़ी बहुत। ओके चलो, पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव दिस स्कूल, है ना। बहुत मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हिंदी में क्या है इसका, कि जो वो टीचर थे एम हैमिल, उनको डिफिकल्टी क्यों हुई थी मतलब स्कूल छोड़ने के लिए। होती है कि यार लास्ट दिन है स्कूल का, आप लोग भी 12th अभी छोड़ोगे तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार हमने यहाँ 12 साल पढ़ा, हमने यहाँ 4 साल पढ़ा, हमने यहाँ 5 साल पढ़ा, है ना। तो फिर स्कूल छोड़ो, तो वही चीज़ बताई है इस चैप्टर में भी कि दिस मतलब लिखना है इसमें ही लिव, यहाँ पर ही लिव दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो ही लिव, फिर वहाँ पर लिखना दिस स्कूल फॉर 40 years, है ना। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच एंड इट वॉज अ आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वॉज अ फ्रंट ऑफ हिम, की मतलब नॉर्मल सी चीज़ें ही हैं कि चैप्टर में क्या दिया था कि जो उनको उधर का गार्डन बहुत पसंद था और उनकी क्लास जो थी वो कहाँ पे थी, फ्रंट ऑफ हिम, क्लास के फ्रंट ऑफ हिम पे थी। द सेम डेस्क एंड द बेंचेस आर देयर इन क्लासरूम, ओनली दे हैड बीन वार्म स्मूथ, ही हैड पेंटेड द हुव ऑन हिमसेल्फ, एवरीथिंग अराउंड हिम हैड अ वेरी लॉन्ग टू क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, ठीक है। हर सिस्टर वॉज बिजी पैकिंग इन रूम अबव, ही कुड हर नियर सिस्टर मूविंग अबाउट, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड फॉर दे हैड बीन पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, एवरी वन वॉज सैड एट दिस लीविंग द स्कूल। बेसिकली क्या बताया, जब वो स्कूल छोड़ रहे थे तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, और जब उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही थी तो उन्हें पता चल गया था कि अब यार अब स्कूल छोड़ने का, यानी कि यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, और वही चीज़ वो सोच कर दुखी हो रहे थे, और है ना। तो यही आंसर है कि एवरी वन वॉज सैड, सभी दुखी थे कि जो एम हैमिल सर थे वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे। एंड आता है अपना सेकंड क्वेश्चन, इसी चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन आता है कि द लास्ट चैप्टर से, व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रिएक्टेड स्कूल, फ्रेंच ने ऐसा क्या देखा उस दिन स्कूल में कि वो मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें उसने देखी, वो चीज़ क्या थी। तो लॉट्स ऑफ साउंड्स एंड नॉइजेस कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, मतलब उसने ये चीज़ नोटिस किया था बेसिकली कि जो जब वो क्लास में एंटर करता था तो उधर पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क कुड बी हियर्ड, चिल्ड्रन रिपीटेड देयर लेसन्स लाउडली इन यूनियंस, मतलब जो रोज की तरह दिन होता था ना कि डेस्कों की उठापटक हो रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, टीचर्स द रैपिंग ऑफ टीचर्स रॉड ऑन द टेबल कुड ऑल्सो बी हियर्ड, है ना। बट दे मतलब कि टीचर्स की आवाज़ मतलब डेस्कों पर खट ऐसे मारते हैं ना टीचर ऐसे ठक 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 डेस्कों पर, वो चीज़ उस दिन कुछ भी नहीं हो रही थी, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि बट यहीं पर है ना, बट दैट डे, लेकिन उस दिन दैट वॉज ऑल क्वाइट, मतलब कि उस दिन सभी शांत था, मतलब कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था,
है ना, वो दिन अलग ही था। कि ऐसा तो नहीं कि कभी मैं संडे वनडे को तो नहीं आ गया, वही चीज़ लिखा हुआ है, इट वॉज अ क्वाइट एज अ संडेज मॉर्निंग, कि कहीं मैं संडे की सुबह तो नहीं, ऐसे जैसे संडे की सुबह होता है ना कि स्कूल में कोई नहीं होता, वैसा था कुछ। ओके, फ्रेंच कुड सी थ्रू द विंडो दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स। जब वो क्लास के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके सभी क्लासमेट्स जो उसके साथ सहपाठी हैं वो सभी क्लास में बैठे हुए थे। द टीचर वो वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, मतलब टीचर यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, ठीक है। ही हैड हिज टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, जो वो एक रॉड लिए रहे थे, टीचर्स अपनी लिए नहीं रहते मतलब छड़ी वगैरह, वो लिए रखे थे। ओके ओके, फ्रेंच ओपन्ड द डोर एंड वेंट इन, मतलब फ्रेंच ने दरवाजा खोला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, ठीक है। हैंड्स ऑन हिम एंड आस्क्ड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, उसने सर से बोला एंड सीट पर बैठ जाकर बैठ गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मतलब जो लास्ट चैप्टर है इससे, मतलब ये जो फर्स्ट चैप्टर है, लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, है ना, तो इससे ये क्वेश्चन कंफर्म है, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। अगर छोटे क्वेश्चन भी आए तो इन्हीं के अंदर पूछ लिए जाएंगे, नहीं तो ये दो क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में पूछना 100% श्योर है। उसके बाद आता है, और पता इनके अलावा आपके चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, इनके अलावा आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करना यार, भैया की राइटिंग ठीक है लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। चलो, लेसन नंबर टू, लॉर्ड्स स्प्रिंग। इसमें क्या था कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर सीमापुरी, कि जो सीमापुरी के जो बच्चे थे, रैक पिकर से लोग थे, उनकी लाइफ के बारे में अपन को व्याख्या करनी है, वर्णन देना है, डिस्क्राइब करना है, तो वही चीज़ अपन को बताया गया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पढ़ाई को दे लो, ठीक है, फालतू मोबाइल चलाने से अच्छा पढ़ाई को दे लो। ओके, कौन सा अपन लोग फालतू टाइम पास ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और आई थिंक ये वीडियो, जितनी मैं वीडियो ला रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वीडियोज ही देख के चले जाए, उसके 25,000 कन्फर्म रखे मिलने वाले हैं उसको। अगर उसको लग रहा है कि यार जो मेरी पढ़ाई है वो बिल्कुल से जीरो है, तो बस वीडियोज़ देख लो यार, हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई करना है। ओके, चलो, रैक पिकर्स, इट इज़ अ प्लेस ऑन दी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दोज हु लिव्स फ्रॉम द स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश, जो रैक पिकर्स थे सीमापुरी के, वो कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे। एंड वो आए कहाँ से थे, वो आए थे बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे, 1971 में, 1971 में आए थे, ठीक है। रैक पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, दे हैव रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ वो लोग रहा करते थे वहाँ पर मतलब ऐसे ही था, मतलब टीन इन की छत टाइप रहा करती थी, मतलब जैसे आपने देखा है ना कि ये जो रहते हैं लोग वो कैसे रहते हैं, आपने खुद अपने अराउंड देखा ही होगा, जब आप स्कूल जाते हो तो ऐसे लोग तो आपको मिल ही जाते होंगे ना, जैसे उनकी लाइफ स्टाइल है, सेम उसमें इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है, है ना, कि दे हैज नो सेवेज, उनके यहाँ कोई भी वो सेवेज सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, उनके घरों से पानी, मतलब जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था छतों से, ठीक है। दे लिव हेयर विदाउट एन आइडेंटिफाई एंड विदाउट परमिट्स, जब वो वहाँ मतलब जो वो लोग रहते थे वहाँ पर, तो उनका कोई आइडेंटिफाई नहीं था, मतलब उनके पास कोई परमिट नहीं था, जैसे होता है ना राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब उनके पास कुछ नहीं था, बस वो लोग रहा करते हैं, ठीक है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम दे आर आइडेंटिफाई, उनके लिए खाना किससे, उनकी आइडेंटिफाई यानी कि उनके जो मतलब ये जो होते हैं ना कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, राशन कार्ड, है ना, इनसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए फूड होता है। अब फूड क्यों होता है, जैसे अगर हमारा इंसान का क्या रहता है कि उसे पहले खाना मिल जाए, खाना के बाद उसका क्या रहता है कि हमें कपड़ा अच्छा, घर अच्छा, मकान, गाड़ी मिल जाए, लेकिन फर्स्ट अपना क्या रहता है कि खाना वगैरह, है ना। चलो, उसके बाद आता है अपना, चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, फिर एन आर्म, मतलब जो चिल्ड्रंस का कुछ ग्रुप रहते थे, एंड वो मतलब ये लोग क्या किया करते थे, सर्वाइव नॉर्मल किया करते थे, कि अपनी ज़िंदगी एक तरीके से काटते ही थे, ठीक है। एन आर्मी ऑफ पुअर फूड चिल्ड्रंस अपीयर इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स एंड देयर सोल्जर्स, मतलब जो आर्मी, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो बच्चों का एक झुंड, मतलब एक ग्रुप सुबह उठ के निकल जाया करता था प्लास्टिक के बैग्स ढूंढने के लिए, अपने कंधों पर टांग लिया करते थे वो लोग। और आप सभी ने ये अपने आँखों देखे भी होंगे, जो बच्चे रहते हैं ना, आप लोगों ने लाइव भी मतलब देखा भी होगा उन्हें, है ना।
गार्बेज एज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, उनके लिए जो वो कचरा था उसका एक अलग मीनिंग था. फॉर देन इट इज अ रैप्ड इन वंडर दे मे फाइंड अ रूपी इवन अ टिन रूपी नोट्स और अ सिल्वर कॉइन. मतलब उस जैसे कचड़े में उन्हें कभी एक रुपए का सिक्का मिल जाया करता था, कभी और क्या लिखा हुआ है, दे मे फाइंड अ रूपी इवन अ टेन रुपीज, है ना, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाया, सिक्का मिल जाया करता था. उसके बाद एंड अ सिल्वर कॉइन, कभी कभी सिल्वर भी मिल जाया करता था, उन्हें सिल्वर कॉइन भी मिल जाया करता था. देयर इज ऑलवेज होप फॉर फाइंडिंग मोर, उनकी मतलब कुछ ना कुछ अलग ढूंढने की इच्छा बनी ही रहती थी, ठीक है, फाइंड करने की इच्छा रहा ही करती थी कि कभी ना कभी कुछ और मिल जाएगा. उनका ये रहता था कभी हमें सिक्का मिल जाएगा, कभी नोट मिल जाया करता था. एंड यही सब ये चीज़ अपन को डिस्क्राइब करनी थी जो अपन लोगों ने कर दी है, है ना. ईजी क्वेश्चन था एंड ये आएगा 100% श्योर है. तो गाइज इसके बाद आता है अपना फोर्थ क्वेश्चन. होप सो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँगा, आपको एक एक लाइन, एक एक मतलब अगर लाइन भी तो नहीं कि अगर आपको पूरा आंसर समझ आ रहा होगा कि किस कॉन्सेप्ट के बेस पर है, है ना. आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा. ओके, हु इज मुकेश. मुकेश इस चैप्टर में दो कहानियाँ है ना, एक तो मतलब किन के ऊपर थी, एक तो लोगों के ऊपर थी, मतलब रैकपेकर्स के ऊपर नॉर्मली एंड मुकेश के ऊपर भी थी. जो मुकेश के ऊपर कैसी थी कि ये बैंगल्स मेकर का हुआ करता था, एक पोएट आई थी एंड उनसे पूछा था कि वो उसको घर ले जाता है. ये मुकेश की कहानी है ना, दोनों लोग अलग चैप्टर में मतलब एक चैप्टर के अलग अलग पार्ट थे. हु इज़ मुकेश एंड विच फैमिली डज ही बिलोंग. मुकेश कौन था और वो किस फैमिली से बिलोंग करता था. डिस्क्राइब द मेसेरेबल कंडीशन एज दैम एज रीजन. उसकी मैसेज जो उसकी मेसेरेबल कंडीशन है, जो उसकी एग्जैक्ट कंडीशन है, उसको डिस्क्राइब करना था दैम दी रीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो मुकेश बिलोंग टू अ बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद. मुकेश जो था वो किससे बिलोंग करता था, उसके मतलब खानदान जो था वो चूड़ियाँ बनाता था फिरोजाबाद में. वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल. यहाँ पर हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती है. द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड वाइल वर्किंग. मैनी ऑफ द चिल्ड्रंस हु वर्क्स नियर हॉट फर्नेस ड्यूरिंग डे लाइट. मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग लोग भी, इनका मतलब पूरा खानदानी इस चीज़ में लगा हुआ रहता है और ये काम बहुत ही मुश्किल का रहता है. तेज भट्टी की रोशनी में ये काम हमें करना पड़ता है, उन लोगों को करना पड़ता होता है. ओके, Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to even then the talking to another profession. They are not able to organize themselves into a corporate dizzy biling and exploiting of the politicians. ये लोग कभी भी अपने काम को छोड़कर दूसरा काम नहीं करना कर पाते थे, क्योंकि इनकी जो पीढ़ी है वो एक ये जो बीच के लोग होते हैं ना, जो politicians होते हैं, जैसे ये लोग चूड़ियाँ बनाते थे, फिर एक एक ऐसा इंसान रहा करता था जो इन लोगों से कम दामों पर चूड़ियाँ खरीदता था और फिर मेन मार्केट में जाकर बहुत अच्छे दामों में बेचता था. तो इन लोगों को तो कुछ मिलता नहीं था, लेकिन मेहनत ये लोग करते थे. तो ये जो बीच का आदमी था, यही इनको ऐसा बहकाया हुआ रखता था कि ये लोग आगे भी नहीं बढ़ पाते थे और इनके कर्जों में डूबे रहते थे, जिस वजह से वो और कोई काम नहीं कर पाते थे. यही चीज़ बताई गई है, पॉलिटिशियन, अथॉरिटीज़, मनी लेंडर्स और मिडिल मैन, है ना, ये जो बीच के लोग रहते हैं. और ये रियलिटी है, आज भी ये चल रहा है कि ये जो बीच के लोग हैं, ये मतलब अब क्या ही बोले इनके बारे में, है ना. चलो, दे लिव इन स्लिंकिंग कॉइंस चोक्ड वर्गावेज हैविंग होम्स ऑफ क्रमलिंग वॉल्स वॉवी डोर्स नो विंडोज ओवर क्राउडेड विथ फैमिलीज ह्यूमन एनिमल्स. मतलब ये लोग कैसी जगह पे रहा करते थे जहाँ तो ना तो कोई अच्छे घर हैं, ना दीवारें हैं अच्छी, ना डोर्स हैं, ना विंडोज हैं, मतलब क्राउडेड एरिया. आप लोग कभी बाजार जाओ तो आपको पता चलेगा, मतलब ऐसी जगह गए हो आप लोग, है ना, और गए हो गए, है ना, आई थिंक गए होगी क्योंकि आपने देखी भी होंगे, नहीं तो फिल्म्स वगैरह में देखे होंगे कि कीचड़ है, वहीं पर गाय रह रहे हैं, मतलब उनके एनिमल्स रह रहे हैं, बकरी गाय भैंस साथ में उसी घर में वो लोग रह रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे. और बदबू आ रही है घर से, ना कुछ छत है, ना दीवाले हैं, एक छोटा सा जो मतलब है, दो दीवाले बना दी, एक छोटा सा छत एंड उसी में रह रहे हैं, टूटा फूटा, है ना, ऐसा उनका वो था रहने का स्थान. और दे हैव नॉट इवन इंजॉयड इवन अ फॉल मील देयर एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दी देयर प्रॉपर्टी. एंड वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाते थे बिकॉज ये जो मिडिल मैंस के मनी लेंडर्स, है ना, अथॉरिटीज, इनके कारण. ओके गाइज,
अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है डीप वाटर, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा कि ये जो डॉगलस था इसे कितना ज़्यादा डर था स्विमिंग करने से, है ना, कि इसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, एक फियर था इसके अंदर। वही चीज़ अपन को इसमें बतानी है कि जो इंस्ट्रक्टर था, मतलब इसका जो एक कह सकते हैं कोच टीचर जिससे डॉगलस को स्विमिंग के लिए मतलब स्विमिंग करना सिखाया, ओके। तो डॉगलस वॉन्टेड टू लर्न टू स्विम, सो दे टुक अ इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, मतलब डॉगलस स्विम उसके पास जाता है टीचर के पास, अपने इंस्ट्रक्टर के पास। मैं मेन बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप लोग ये देख लो, ठीक है, कि जो इंस्ट्रक्टर रहता है उसका उसके मतलब कंधे पर रोप बांध देता है जिसके कारण वो फिर तैरना सीखता है ऐसे करके, जिससे कि डॉगलस अंदर डूबे ना। फिर ऐसा ऐसा करके रोज ऐसा चला करता था, और इन लोगों का कब तक रहा करता था इसमें लिखा होगा, विद इन 3 months द टेरर वाटर स्टार्टेड टू बिकम लेस एंड लेस, मतलब 3 महीने में सीखते सीखते उसका डर खत्म होता जा रहा था। दे टॉट डॉगलस एक्सीलेंट वाटर, ही ऑल्सो हेल्ड इन द इडेज ऑफ द पूल, डॉगलस किक्ड विथ हिज लेग्स। वो फिर उसने क्या किया कि डॉगलस को बिना मतलब ऐसे उसको अंदर पानी के अंदर डुबा दिया करता था ऐसा, और कब तक डुबाए रखता था, जब तक डॉगलस अपने हाथ पैर ना चलाने लगे, ठीक है, ऐसा उनका सिखाने का तरीका था। दे वॉज रिपीटेड ईच एक्सरसाइज 100 times, और उसकी हर एक्सरसाइज को वो 100 times रिपीट करवाया करते थे, एंड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, क्योंकि वो उसे एक परफेक्ट स्विमर बनाना चाहते थे। थस द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, और उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि रहता है हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस ने अपने फियर को कैसे मतलब परास्त किया या उस पर कैसे विजय प्राप्त की, तो यही सब चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। तो उसने कैसे किया था, आपको सभी को पता ही होगा, उनके इंस्ट्रक्टर का बहुत बड़ा हाथ था कि वो कैसे उनको बेल्ट बांध दिया करते थे, मतलब उनके रोप से अटैच कर दिया करते थे, और फिर डॉगलस धीरे धीरे मतलब सीखता गया था, ठीक है। वही चीज़ इसमें बतानी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो सेम चीज़ वो पिछले आंसर में थी सेम इसमें है कि उनके कैसे वो सिखाया करते थे, और ये फाइनली यहाँ पर आंसर ख़त्म हुआ, ठीक है। सेम मतलब कॉन्सेप्ट थ्योरी उसमें वही रखनी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज, ये रेट ट्रैप वाले चैप्टर से है ना, हु वॉज एडला एंड हाउ डिड सी चेंज द पैडलर बिहेवियर। जो एडला कौन थी, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो जो वो पैसे लेकर भाग जाता है ना, 30 crore, सब करोड़ नहीं समझना, कुछ बच्चे कहते सर ऑफलाइन कोचिंग में सर करोड़ इतने ज़्यादा पैसे कौन ले लिए रहता था, तो वो क्रोनर्स रहते थे, अब कुछ भी मान लो 30, 35, 40, 50 हज़ार जिसके उसने उठा लिए थे, ठीक है, पैडलर ने। तो एडला वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ओनर्स ऑफ रामाज आयरन वर्क्स, सी इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस, सी सक्सीड टू परस्यूएट द पैडलर टू स्टे विद देम, ही हैड अ डीप इनसाइट्स इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, सी परस्यूड द पैडलर टू कम इन द मैन्योर हाउस इन क्रीट द पैडलर व्हेन हिज फादर रिटर्न टू कॉल द सर्व सेल्फ। मतलब बेसिकली क्या था कि जो पैडलर था वो पैसे लेके आ गया था एक ओल्ड मैन के उसके घर से, क्योंकि देखो वो जो इसके मैं स्टोरी बता देता हूँ चैप्टर की, कि एक आदमी रहता है जो पैसे लेकर मतलब वो अनजान ऐसे जा रहा था जंगल में, उसे एक घर मिलता है, वो झोपड़ी बुजुर्ग की थी, जो उस बुजुर्ग मतलब वो ओल्ड मैन उन्हें सहारा देते हैं अपने घर में उस जंगल में उस दिन। तो वो अपनी सब बातें बताते हैं कि देखो ये हमारे घर में ये पैसे रखे हुए हैं 30 crore, तो उन्होंने बता दिए थे कि ये टंगे थे। जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो वो थैला गायब था, उनका बैग गायब था, तो उन्हें पता चल गया था कि इनने चोरी की है। जब उसने FIR वगैरह कराई, तो जब पैडलर भागा वहाँ से जंगल से निकल कर, एक मील वो मतलब एक कंपनी में पहुँचा, कौन सी कंपनी, आयरन वर्क्स की कंपनी में पहुँचा, वहाँ पर ऐसे उनकी मुलाकात हुई, पहले एडलर के पिता से हुई, फिर एडलर से हुई, है ना, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इनके बीच। देन यही सेम चीज़ उनके आंसर में लिखना है, फिर कैसे पैडलर बदल गया था, है ना, अपने मतलब बिहेवियर को कैसे उसने चेंज किया था, यही सब चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टे, मतलब उसके बारे में पूरा लिखना है, एंड सेम चीज़ें लिखनी है यार, मतलब कि कैसे वो रुका, है ना, क्या चीज़ें उसके साथ हुई, है ना, वो सब चीज़ें इसे लिखना है, कि उसे अच्छा खाना मिला था उस दिन, मतलब जो एडला ले गई थी उसे अपने घर में, एंड जेंटलमैन की तरह, फिर उसे जैसे ही पता चला था तो उसके साथ फिर क्या हुआ था, वो सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चंपारण से, क्वेश्चन 100% आता है, डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, के गांधी जी ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की।
तो ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्ड्स इन चंपारण विलेजर्स, है ना, ही वॉन्टेड टू समथिंग अबाउट द इमीडिएटली महादेव देसाई एंड नरहरि परिकर टू यंग मैन ज्वाइंट गांधी जी। इन लोगों ने, महादेव देसाई और नरहरि परिकर ने इन्हें हेल्प करी थी गांधी जी को उस मिशन में, ठीक है, चंपारण के उस अभियान में। दे वाइब्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क मैनी मोर मुंबई एंड पूना एंड द डिस्टेंस पार्ट्स। गांधी जी सन दावदास ऑल्सो ज्वाइन दैम, उस गांधी जी के सन ने भी वो ज्वाइन किया था। प्राइमरी स्कूल्स वो ओपेंड इन सिक्स विलेज, कौस्तरवा टॉट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन। मतलब उनकी पत्नी भी सिखाया करती थी, उनका बेटा भी उसी स्कूल में काम करने लगा था। मतलब ये चंपारण में क्या क्या चीज़ें आई थी, चैप्टर पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार जरूर पढ़ना। ये पेडलर एडला वाला और ये पेडलर वाला और गांधी जी वाला पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और गाइज इनके अलावा आपको प्रोज में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ये गारंटीड है। तो होप सो मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आंसर्स को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझाया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, लेकिन मेन मेन चीज़ें समझा दी हैं आई थिंक। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आप सभी को लाइक कर देना चाहिए वीडियो अभी तक नहीं की है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, कर दोगे, ठीक है, 200 लाइक प्लीज कंप्लीट करा देना यार, बहुत मेहनत लगी है सच्ची वाला। ओके, थैंक यू।